हमारी नन्ही गुड़िया मन्नू का गांव, चलो गांव चलते हैं। है मन्नू और उसकी माँ कोमल। माँ माँ देखो मैंने खेत में कितने सारे फूल तोड़े हैं। अरे वाह मन्नू, ये फूल तो बहुत सुंदर हैं। लेकिन बेटा हमें फूल तोड़ने से पहले सोचना चाहिए, ये भी तो भगवान की बनाई चीज है, इन्हें यूं ही तोड़ना सही नहीं है। लेकिन माँ ये तो बस फूल है, इससे क्या फर्क पड़ता है? फूल भी प्रकृति का हिस्सा है। जैसे हमें अपनी जिंदगी प्यारी होती है, वैसे ही ये फूल पेड़ और जानवर भी जिंदा है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। जानते हो माँ ने आज मुझे बताया कि हमें फूलों और पेड़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। अरे मन्नू तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। लेकिन अंजलि मन्नू सही कह रही है, अगर हम ऐसे ही पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते रहेंगे तो एक दिन हमारे गांव में हरियाली ही नहीं रहेगी। शाम का समय मन्नू अपने दादाजी के पास बैठी है। दादाजी क्या हमारे गांव में हमेशा से इतने पेड़ थे? बोलो ना दादाजी। दादाजी पुरानी बातें याद करते हुए, नहीं बेटा पहले हमारे गांव में और भी ज्यादा पेड़ पौधे थे, नदी भी साफ थी, लेकिन धीरे धीरे लोग पेड़ काटने लगे और कचरा फेंकने लगे जिससे हमारी प्रकृति को नुकसान हुआ है। हमें क्या करना चाहिए दादाजी? हमें पेड़ लगाने चाहिए, पानी बचाना चाहिए और गांव को साफ रखना चाहिए। तुम अपने दोस्तों को भी ये बात समझाओगी ना? हाँ दादाजी मैं सबको समझाऊंगी, हम सब मिलकर अपने गांव को फिर से हरा भरा बनाएंगे। दादाजी मैं मन्नू, मैं कन्नू, मैं अंजलि अपने गांव को हरा भारत रखेंगे। मैं देव राजपूत। ये स्क्रिप्ट मन्नू की प्रकृति के महत्व के बारे में सीखने की यात्रा और उसके गांव में पर्यावरण की रक्षा के दृढ़ संकल्प पर प्रकाश डालती है।